ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग किए थे। हमने यहाँ की जो व्यवसायी है उनकी समस्या को लेकर के हमने मेयर के समक्ष रखा और मेयर ने कल वादा किया था कि वो खुद जाएंगे गुदरी बाजार में, व्यवसायियों से मिलेंगे, उनकी समस्या को देखेंगे और उसका समाधान भी होगा। और आज अपने तय वादा के अनुसार मेयर वैजयंती देवी खेरिया पहुँची हैं दरभंगा लड़िया सड़क के गुदरी में और इन्होंने सभी जगह निरीक्षण कर लागत कहाँ चल रहा है। आप देखिए मैडम, हम लोग 3 दिन से परेशान है, छुटा अतिक्रमण के लिए दुकानदार लाठी खाता है, गाली सुनता है। सब्जी की दुकान जो है वो चिन्हित जगह है, सब्जी बेचने का मंडी है, मीट बेचने का रोड जाम होती है, प्रशासन आती है, पुलिस डंडा चार दुकानदार नाम लिख के ले जाता है, पुलिस मार के और आज अपने तय वादा के अनुसार मेयर वैजयंती देवी खेरिया पहुंची हैं दरभंगा लड़िया सड़क के गुदरी में और इन्होंने सभी जगह निरीक्षण कर सही तथ्यों को पता लगाते हुए उन्होंने कहा कि जल्द इसका निदान होगा। क्या लगा कि सब्जी मार्केट में सब्जी मार्केट की बहुत बड़ी समस्या हो गई है यहाँ, जब नगर निगम की इतनी बड़ी प्लॉट है यहाँ तो इन्होंने जो लिख के दिया है उसी आधार पर हम लोग बात विचार करेंगे आपस में और इसका कुछ निराकरण करेंगे कि सब्जी बाजार अच्छा से हो जाए, जो लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़े, जो गरीब हैं उन लोग को रोटी रोजी नहीं मिले, कम से कम उनके बाल बच्चे हैं उन लोग अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, इसके लिए हम लोग तत्पर होकर काम करें। अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ शौचालय सबसे हजारों लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं, यहाँ शौचालय नहीं है, पेशाबगार नहीं है, बना हुआ है, व्यवस्थित नहीं है, तो इतने दिन से नगर निगम पूरी असफल रही है क्षेत्र। नगर निगम की तरफ से जो शौचालय यहाँ बना हुआ था वो भी हमने देखा है, वो बहुत बेकार हो गया है, उसको वापस रिकवरी करवाना पड़ेगा, नया बनवाना पड़ेगा उसको। हम सोचेंगे, हम यही कह रहे हैं आप लोग से कि जहाँ तक हो पाएगा हम जो भी यहाँ समस्याएं देखी हैं उसको हम पूर्ण निदान करने की कोशिश करेंगे। क्या आश्वासन मिला है लोग, ये लोग टीम बना के आपके पास मिलेंगे और यहाँ पूरी देखेंगे? कि हम पूरी टीम का सहयोग करना चाहेंगे नगर निगम की तरफ से, जो भी हमारे साथ होगा समर्थ हम सब कुछ करेंगे इन लोग के लिए, क्योंकि जनता मेरी है, हमारा परिवार है, हमको परिवार का हेड बनाया गया है दरभंगा में, तो हम उसका सहारा बनेंगे और उनका काम करेंगे। मेयर वैजयंती देवी खेरिया अपने समय के अनुसार यहाँ गुदरी बाजार में चौक पर सब्जी मार्केट शौचालय सभी का निरीक्षण कर यहाँ के व्यवसायियों को कहा है कि आप हमसे मिलिए और एक लिस्ट लेकर के जो समस्या है उस समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और इसका अस्थायी निदान होगा, ताकि गुदरी बाजार में न जाम की स्थिति हो और सबको रोजी रोटी भी मिल जाए। धन्यवाद। आधा गुदरी निगम हम बता दें, कल हमने गुदरी से यही खबर बनाई थी, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की थी। खबर देखने के बाद मेयर वैजयंती देवी खेरिया ने कहा कि कल हम आकर के स्थल देखेंगे क्या समस्या है और उस समस्या का निदान के लिए करेंगे, और आज अपने वादे के अनुसार वैजयंती देवी खेरिया पूरा निरीक्षण किए, आश्वासन दिए कि जल्द ही निदान होगा। क्या अभी आई थी? जी मैडम तो आई हुई थी, पूरा निरीक्षण करके गई है और आश्वासन भी दिए कि सब व्यवस्था हो जाएगा, आपका जितना भी आपका लेटरिन बाथरूम प्रॉब्लम हो रहा है और जो गरीब लोगों का जो दुकान है उसका अस्थायी रूप से अस्थायी दिया जाएगा उसको। नहीं आपका न्यूज़ तो बहुत परफेक्ट है, फैंटास्टिक, बहुत बेटर पोजिशन है आपका। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जितना भी गरीब का पेट रोजी रोटी चलता है उसको अंदर व्यवस्था हो, हम लोगों का रोड एकदम क्लियर नीट एंड क्लीन हो। हम एसपी साहब से मिले हैं, एसपी साहब बोले हैं कि अगर रोड नीट एंड क्लीन नहीं होता है तो आप हमको बोलिए, हम सब पे FIR करेंगे और सबको अंदर घुसाएंगे। अभी मैं भाई थी, मैं क्या ये ऐसा मतलब निकला कि वो कल से हाथ लग जाएगी और बहुत जल्द ही समस्या से निदान मिल जाएगी और आपका जो योगदान हुआ है वो तो सराहनीय है जो मिथिला मंच कर रहे हैं। शौचालय के लिए और नाला के जल हम इस पर बैठ करके संशोधन करेंगे और उसको शीघ्र स्टार्ट करवाने की प्रक्रिया को अगर वहाँ जहाँ सब्जी मंडी है वहाँ अगर साफ सफाई हो जाती है, कचरा हट जाता है, तो किस तरह जल्दी उसको आप निर्माण के लिए मिला सकते हैं? लगभग 17 दिन के अंदर वो चालू करवा देंगे।
मिथिला मंच की ओर से जो हम लोग को व्यापारी संघ के सहयोग के जो आगे बढ़े हैं उसके लिए मैं मिथिला मंच को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये एक विकट गुदरी का जो है जाम वाली समस्या, बहुत विकट समस्या है। यहाँ बहुत से लोग आते हैं डेली के डेली सब्जी लेने और अपना व्यापारी का सामान खरीदने के लिए, लेकिन बहुत सारा जाम के चलते असुविधा होता है। आपके मंच के द्वारा जो इशू उठा गया है उसमें हमने देखे हैं, हमारे मेयर साहब श्रीमती खेड़िया जी भी आज आई है, उसने हमारे लोग को आश्वासन दिया, सुन करके आश्वासन दी है। मैं चाहता हूँ कि मिथिला मंच इस को आगे प्रगति पर बढ़ाते रहे, हम व्यापारी बंधु को जल्द से जल्द इसका सहयोग मिल जाए तो मैं मिथिला मंच को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। क्या लगा आप, जो भी कार्रवाई हुई है मिथिला मंच की तरफ से बहुत ही अच्छी सराहनीय है और सराहनीय है, हम लोग इससे बहुत ही खुश हैं। और जो मेयर साहब ने जो उम्मीद भी व्यक्त की जाती है कि आश्वासन दिया है जितना जल्द से जल्द हो सके आप समस्या से निदान करवा देंगे तो खत्म कर दिया जाएगा। तो हम बता दें कल की खबर का बड़ी असर हुआ है, मेयर ने कल ही आश्वासन दिया था कि वो आज, हमने बात की, उन्होंने कहा कि कल आकर के हम खुद देखेंगे और आज जा करके, कल संडे है, मंडे को बैठक होगा और मंडे से ही हाथ लगना प्रारंभ होगा, कचरा यहाँ से उठेगा और यहाँ के जो मुख्य नाला है जो जिसमें कचरा है उसको साफ करने की प्रक्रिया जल्द की जाएगी। हमें लगता है कि यहाँ के व्यवसायियों का सबसे बड़ी समस्या का हल होगा, क्योंकि मिथिला मंच चाहती है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए जनता की समस्या को दूर करना और इस पर हम आगे रहेंगे। धन्यवाद।